नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्चुअस चैनल पे। आज फिर से आपके लिए एक बहुत ज़रूरी रीजनिंग का सेशन लेकर आए हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि IBPS क्लर्क प्री 2018 के सभी शिफ्ट्स ओवर हो चुके हैं, अब टाइम है क्लर्क मेंस की तैयारी स्टार्ट करने की। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिए, रिजल्ट तक हमें वेट नहीं करना है क्योंकि तब तक बहुत लेट हो जाएगा। रिजल्ट में भी समय बाकी है, दिसंबर के एंड तक जाके रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक हम वेट नहीं करने वाले कि रिजल्ट आए, उसके बाद फिर अगर सिलेक्शन होता है तो मेंस की तैयारी करेंगे। अगर आपको लगता है आपने अच्छे अटेम्प्ट्स किए हैं, आप क्लियर कर सकते हैं, तो तैयारी स्टार्ट करने का बहुत ही सही वक्त है। उसी को ध्यान में रखते हुए क्वांट और रीजनिंग के लिए रोज़ाना एक एक सेशन आपके लिए हम ज़रूर लाएंगे। जैसे कि कल मैंने रीजनिंग का एक मेमोरी बेस्ड सवाल उठाया था, सिंगल रो लाइन अरेंजमेंट था शायद वो, पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं फ्लोर बेस पज़ल। ये फ्लोर बेस पज़ल भी शॉर्ट पज़ल रहेगी क्योंकि इस पे बेस 3 सवाल पूछे गए थे। लेवल इजी टू मीडियम, आराम से टाइम के अंदर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह का था, पर फिर भी बहुत ईजी था और मेमोरी बेस्ड है, मतलब 2017 के पेपर में ये पूछा गया था। टाइम कितना देना है सर? खुद को टाइम दीजिए 2 से 3 मिनट। 2 मिनट में आराम से कर सकते हैं, 3 मिनट एट मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट में बता रहा हूँ, बाकी 2 मिनट में आप आराम से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए, बातें खूब हो चुकी हैं, सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए क्या दिया गया है। देर आर 9 पर्सन्स, नेमली 9 लोग हैं और उनके नाम दिए गए हैं। लिव ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर्स, 3 डिफरेंट फ्लोर पे रहेंगे फ्रॉम 1 to 3। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, सबसे नीचे वाला फ्लोर क्या नंबर 1 फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर और फिर उसके बाद क्या आपका थर्ड फ्लोर, ठीक है। देयर आर 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लोर, फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3, मतलब हर फ्लोर के ऊपर 1, 2 और 3, 3 फ्लैट भी होंगे और नाम दे रखा है उनका क्या क्या, फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट नंबर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह के सवाल हमने पहले तो प्रैक्टिस नहीं किए थे, पर अब कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, जो जो बोला जा रहा है वैसे वैसे अरेंजमेंट बनाते रहते हैं। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सच डैट फ्लैट 1 ऑफ 3rd फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1 ऑफ 2nd फ्लोर, मतलब एक के ऊपर एक है फ्लैट्स, जो आपने अभी अरेंजमेंट बनाया बिल्कुल सही बनाया, बिल्कुल सही है। चलिए जल्दी से कंप्लीट करते हैं अरेंजमेंट, जल्दी से कंप्लीट कर रहे हैं। ये जो आखिरी लाइन है इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट वाले को, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जो 3rd फ्लोर का पहला फ्लैट है वो 2nd फ्लोर के पहले फ्लैट के जस्ट ऊपर है, उसी तरीके से 3rd फ्लोर का जो 2nd है वो 2nd फ्लोर के 2nd के ऊपर है, ठीक है, और उसी तरह से हमने अरेंजमेंट बनाई है। चलिए देखते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। ए लिव्स इन एन इवन नंबर्ड फ्लैट, इवन नंबर्ड फ्लैट पे रहता है, इवन नंबर्ड फ्लोर नहीं बोला, अच्छे से पढ़िएगा, इवन नंबर्ड फ्लैट। तो सर 1, 2 और 3 में इवन नंबर्ड फ्लैट तो सिर्फ 2nd ही है, तो इसका मतलब या तो 3rd पे होगा या 2nd पे होगा या 1 पे होगा, तो इससे स्टार्ट नहीं करेंगे, बस अभी के लिए साइड में लिख लेते हैं, या तो 1st पे या फिर 2nd पे या फिर 3rd पे, पर रहता किस पे है, 2nd फ्लोर फ्लैट पे रहेगा, ठीक है। कोई भी फ्लोर कोई भी हो सकता है, पर फ्लैट कौन सा रहेगा, 2nd ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते। पी लिव्स जस्ट अबव एम इन ए फ्लैट नंबर्ड 3, तीसरे नंबर के फ्लैट पे रहेगा, ठीक है। अब पी जस्ट अबव एम रहेगा, मतलब पी ऊपर रहेगा और एम रहेगा नीचे और तीसरे नंबर फ्लैट पे रहेंगे। अब पी और एम से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है तो ये शायद हम पूरे के पूरे यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं जल्दी से, कहीं पर भी दिख रही है क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एम लिव्स, ये भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, ये इन्फॉर्मेशन पढ़िए अच्छे से। एन लिव्स बिलो एम, एन कहाँ रहता है, एम के नीचे, एम रहता है, एन कहाँ रहता है, एम के नीचे। तो इस तरह से आपकी पूरी की पूरी अरेंजमेंट रेडी है, और ये सब के सब रहते कहाँ पर है, फ्लैट नंबर 3 पे रहते हैं। तो पी यहाँ से ही सेट हो जाएगा, एम यहाँ हो जाएगा और एन यहाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। ए डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच पी लिव्स, जिस पे पी रहेगा उस पे एन नहीं रहेगा, इसका मतलब एन सॉरी ए 3rd फ्लोर पे तो नहीं रह सकता। तो ए की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 1st पे रहे या फिर 2nd पे, या तो 1st पे रहेगा या फिर 2nd पे रहेगा, ठीक है, दोनों लिख देते हैं, एक में ए नॉर्मल एक ए ब्रैकेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ लिव्स जस्ट अबव क्यू, ओ कहाँ रहता है, क्यू के जस्ट ऊपर रहता है, और एक बात और दी गई है,
क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एम लिव्स। तो एम जिस फ्लोर पे रहेगा उस पे कौन नहीं रहेगा, क्यू नहीं रहेगा। तो क्यू इसका मतलब यहाँ नहीं रह सकता। अगर क्यू यहाँ नहीं रह सकता तो क्यू कहाँ रह सकता है बताइए, क्यू इस फ्लोर पे नहीं रह सकता तो क्यू कहाँ रहेगा, क्यू का चांस कहाँ आएगा, नीचे आएगा और ओ यहाँ पर सेट हो जाएगा। ठीक है, दो ही केसेस थे, या तो ओ इधर है और क्यू यहाँ है, पर क्यू यहाँ आ गया तो एम वाले फ्लोर पे आ जाएगा जो क्लियरली मना किया गया, तो ओ क्यू इस तरह से आपकी अरेंजमेंट बैठ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए और क्या दिया गया, एल लिव्स लेफ्ट टू आर। एल कहाँ रहता है, आर के लेफ्ट में रहता है, मतलब इस तरह से वेकेंट हमें सीट देखनी है। कहाँ दिख रही है, सिर्फ ये दोनों दिख रही है जो राइट लेफ्ट में जो प्लेस खाली दिख रहे हैं, तो एल यहाँ सेट हो जाएगा। और आर कहाँ सेट हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने छोड़ी हो, ए डज नॉट लिव ऑन द सेम, ए लिव्स इन एन इवन नंबर्ड फ्लैट, इवन नंबर्ड फ्लैट पे ही है फर्स्ट ईयर्स में। और क्या चीज़ें दी गई है, क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एम लिव्स, बिल्कुल नहीं रह रहा है क्यू। और क्या दिया हुआ था, ओ लिव्स जस्ट अबव क्यू, ये भी यूज़ कर लिया। एन लिव्स बिलो एम, एन लिव्स बिलो एम, बिल्कुल सही है। पी लिव्स अबव एम, ये भी यूज़ कर चुके हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है तो सर, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपके पास ए के दो केस है, तो एक और आपके पास बचता है, कौन सा बचता है, वो है के। तो के भी दो चेस दो केस हो जाएंगे, तो ए और के की एकदम एग्जैक्ट पोजिशनिंग हम नहीं फाइंड कर पाए, मतलब सेकेंड फ्लोर के सेकेंड फ्लैट पे या तो ए रहेगा या फिर के रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दैट फर्स्ट फ्लोर के सेकेंड फ्लैट पे या तो के रहेगा या फिर ए रहेगा, तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट बन जाती है। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल का था, 2 मिनट के अंदर आप पूरी की पूरी अरेंजमेंट रेडी कर सकते थे। इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल पूछे गए थे जिनको आराम से 1 मिनट के अंदर आप आंसर दे सकते थे, तो टोटल 3 मिनट का पूरा सेट था विद 3 क्वेश्चंस, आराम से स्कोर कर सकते थे, कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं था। टाइमली आप स्टार्टिंग में अरेंजमेंट बिना घबराए, क्योंकि कुछ नया देखने को मिला फ्लोर बेस्ड में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बिना घबराए जैसे अरेंजमेंट बोला है, और उसके बाद आगे जो अप्रोच हम हमेशा रखते हैं उसी अप्रोच के साथ पूरा सवाल सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप 2 मिनट के अंदर आप ये सेट सॉल्व कर पाए हो, अगर कर पाए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तैयारी एकदम ट्रैक पे चल रही है। अब इसी तरह के सेशंस रोजाना आपके लिए मैं लाता रहूँगा, हर रोज एक सेट लेकर आऊँगा जो मेमोरी बेस्ड रहेगा। पहले हम सारे मेमोरी बेस्ड के जो सेट है वो कवर करेंगे, फिर नए वाले सेशन के लिए कुछ अलग तरह के सवाल देखेंगे फॉर IBPS क्लर्क मेंस। जाने से पहले एक और बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, इंतज़ार नहीं करना है हमें, इंतज़ार नहीं करना है रिजल्ट तक का, बहुत लेट हो जाएगा, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो जिनको कॉन्फिडेंस है कि प्री क्लियर होगा, उन्होंने ऑलरेडी तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो हमें पीछे नहीं रहना है और तैयारी स्टार्ट कर देनी है। और जो जो स्टूडेंट्स, जो जो एस्पिरेंट्स, जो जो व्यूअर्स हैं हमारे, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं और हमारे चैनल का कंटेंट उन्हें पसंद आ रहा है, उनको इम्प्रूवमेंट महसूस हो रही है, उनकी तैयारी में हेल्पफुल लग रहा है, हमारा कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत आपको लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लाएं तो उसका डायरेक्ट अलर्ट आपको मिल जाए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ नाइस डे।